चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस, पास परसेंटेज भी कम होता है यहाँ पे, तो बहुत हार्डवर्क, बहुत डेडिकेशन, बहुत कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। स्टिल जब मैं एक सीए स्टूडेंट को पूछती हूँ कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, एक ही आंसर मिलता है कि मैम पढ़ाई तो करनी है पर पढ़ाई हो नहीं पाती है। रोज सोचते हैं कि आज टारगेट अचीव कर लेंगे, लेकिन रात आते आते ये मन में आ जाता है थॉट कि कल से पढ़ाई करेंगे। ऐसा क्यों होता है? यू नो आई ऑलवेज बिलीव इन दिस वन कोट, लेट अस ट्रीट द डिसीज नॉट द सिम्पटम। सिम्पटम यह है कि अपन पढ़ाई नहीं कर रहे, बट व्हाट्स द रियल रीजन बिहाइंड इट। ये रीजन जानने के लिए व्हाट आई डिड इज आई एंटर्ड अ सीए स्टूडेंट्स बेडरूम टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि इतना इंपॉर्टेंट कोर्स, इतना डिफिकल्ट कोर्स रहते हुए भी ये बच्चे प्रोकैस्टिनेट क्यों करते हैं। एंड आई गॉट सम अमेजिंग रीजंस। आपकी पोल खुलने वाली आज, लेकिन इसके साथ साथ मी बीइंग योर मेंटर, मी बीइंग योर एल्डर सिस्टर, इसके साथ आपको टेक्निक्स भी बताऊंगी, साइंटिफिक टेक्निक्स, प्रोडक्टिव टेक्निक्स, जिससे आप आज से आगे प्रोकैस्टिनेट करना बंद करेंगे। एंड यू विल बी फोर्स टू स्टडी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए गाइस। जस्ट यू ऑल्सो कम एंड एंटर विथ मी इन अ सीए स्टूडेंट्स बेडरूम टू एक्चुअली अंडरस्टैंड बिहाइंड द सीन्स क्या होता है। एंड आपको काफी सारी चीजें रियलाइज होगी एंड यू विल स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज इस चैनल पे आते रहेंगे गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन हिट करो एंड कम लेट्स एंटर दिस बेडरूम। क्या था इसमें? Oh no! अरे कल ही तो पढ़ा था मैंने ये कॉन्सेप्ट। शिट, कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे रूचा, कल की पढ़ी हुई चीज तुझे याद नहीं आ रही है? कैसे 2 महीने तक चीजें रिटेन रखेगी? और मम्मी अभी तक तो ये एक सब्जेक्ट है, 4 और सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे। प्रॉब्लम तो है बॉस, पर क्या किया जाए? सबसे पहली चीज जो शुरू करनी है आप सबको आज से, दैट इज स्टॉप चेजिंग परफेक्शन। अभी आप कैटरपिलर स्टेज पे हो यार, बटरफ्लाई बनने को टाइम लगेगा। यू नो सीए की पढ़ाई करने के स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड स्टेप होता है उसकी प्रैक्टिस करो, थर्ड स्टेप होता है उसका रिविजन करो, फोर्थ स्टेप होता है उसका पेपर सॉल्व करो, लास्ट स्टेप होता है उसका 1.5 डे बिफोर एग्जामिनेशन का प्लान करो, तब कहा जाके यू आर एग्जाम रेडी। एक्सपेक्टेशन कि अभी से ही आपको सब कुछ आ जाए, अभी से ही मैं सब कुछ परफेक्ट हो जाऊं, अभी से ही मुझे एक एक परसेंटेज, एक एक बिट हर चैप्टर का याद रहना चाहिए, दिस एक्सपेक्टेशन इन इटसेल्फ इज रॉन्ग। सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग, गिव योरसेल्फ सम टाइम, गिव योरसेल्फ सम टाइम टू ग्रो, टू इवॉल्व, टू रिवाइज द थिंग्स, सर्टनली थिंग्स वुड फॉल इन आवर फेवर। शबाश। कब मम्मा लंच के लिए बुलाएगी? बात तो सही है, बोर तो होता है, वो ही 4 दीवारी में बैठ के, वो ही सिलेबस, वो ही किताबें खोल के बोर तो होना जायज है, तो मैम किया क्या जाए? मैम एक ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक बताएगी जो एक्चुअली आपकी इफिशिएंसी बढ़ा देगी पढ़ाई में, दैट इज ब्रेक द मोनोटनी। आखिर ये बोर्डम को कैसे किल किया जाए? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज चेंज द मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडीज। अपन क्या करते हैं, वो ही किताब खोल रहे, उसी फॉर्मेट में पढ़ाई कर रहे हैं, अरे बोर तो हो जाओगे ना, थोड़ा सा चार्म लेके आओ, थोड़ा सा स्पिरिट लेके आओ, क्या करो, थोड़ा सा बोल बोल के पढ़ाई करो, थोड़ा सा घूम के पढ़ाई करो। मैं तो सिंपल करती थी, मिरर के सामने जाके खुद को एक्सप्लेन करना शुरू कर देती थी। आप भी ये कर सकते हो, रोल रिवर्सल, स्टार्ट रिवर्सिंग योर रोल, स्टार्ट टीचिंग योर सेल्फ, स्टार्ट एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ, घूम के पढ़ाई करना, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, दिस इज गोइंग टू सर्टनली हेल्प यू चेंज द मेथड ऑफ स्टडीज। एंड सेकेंडली चेंज द प्लेस ऑफ स्टडीज। इवनिंग टाइम है, सनसेट देखते देखते टेरेस पे चले जाओ पढ़ाई करने, गैलरी है, बालकनी है, गार्डन है, जो भी है, चेंज द एनवायरमेंट, चेंज द प्लेस, दैट इज गोइंग टू किल द बोर्डम एंड दैट इज गोइंग टू एड सम काइंड ऑफ चार्म व्हाइल स्टडीज, व्हिच इज एक्चुअली गोइंग टू एंटरटेन यू एंड कीप यू बूस्टेड एंड इंक्रीज योर एफिशिएंसी इन स्टडीज। ट्राई इट आउट, यू आर गोइंग टू थैंक मी लेटर फॉर दिस। सिर्फ 2 एपिसोड्स बचे हैं, बट पढ़ना भी है ना। इसे कितना टाइम बचा है एग्जाम्स के लिए? 2.5 मंथ्स बचे अभी तक। रुचा एक काम कर, कल से पढ़ाई करना शुरू कर दे, आज ये 2 एपिसोड्स खत्म कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हो जाए। सेम पिंच डोंट लाई, आई एम प्रिटी श्योर ये वीडियो देखने के पहले आप भी कुछ ना कुछ स्क्रोल ही कर रहे थे। एंड ये गलती बार 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 रिपीट ना करो, इसके लिए मैं एक बहुत ही मजेदार टेक्निक आपके लिए लेके आई हूँ, विच आई कॉल द रेट्रोस्पेक्टिव टेक्निक, जो आपको थोड़ा
थोड़ा सा डराएगी, बिकॉज कभी कभी ना डर भी काम करता है सो दैट आप एक्चुअली पढ़ाई करो. रेट्रोस्पेक्टिव टेक्निक का क्या मतलब है? द मोमेंट यू फील कि मैं थोड़ा टाइम पास कर लेती हूँ, द मोमेंट यू फील एक और वीडियो देख लेती हूँ, एक और सीरीज देख लेती हूँ, खुद को बस एक बात बताओ, ये क्वेश्चन है सॉल्व कर ले, ये चैप्टर का ये टेस्ट सॉल्व कर ले, और अगर तुझे इसमें 80% मार्क्स के ऊपर मिलते हैं तो यू आर फ्री टू वॉच दैट वीडियो और वॉच दैट सीरीज. लेकिन अगर उससे कम मार्क्स मिलते हैं तो यू कैन नॉट अफोर्ड वेस्टिंग योर टाइम. इससे क्या होगा, कभी कभी ना थोड़ा डर जरूरी होता है. वो बोलते हैं ना हाई बीपी अच्छा नहीं होता है बट लो बीपी भी अच्छा नहीं होता है. इसीलिए एकदम भी आराम से पढ़ाई करना अच्छा नहीं है, कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रेस भी एज अ मोटिवेशन एक्ट करता है. इसीलिए आई हैव लॉन्च्ड चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, विच इज एक्चुअली गोइंग टू बूस्ट यू अप फॉर योर प्रिपरेशन. गाइज यहाँ पे आपको आपका पर्सनलाइज एडमिन पैनल मिलेगा, जहां पे सब क्वेश्चन पेपर, सब आंसर शीट, सब सजेस्टेड आंसर्स एक ही जगह पे स्टोर रहेंगे, सो दैट अगर अप्रैल मंथ में आपको क्विकली देखना है कि कौन से पेपर में क्या गलतियां की थी, आप क्विकली आके वापस देख सकते हो. एक और एडिशनल फीचर हमने ऐसा लॉन्च किया है इस बार, जैसे ही आप आपके एडमिन पैनल पे लॉग इन करते हो, आपको आपका प्रोग्रेस बार दिखेगा, एक्चुअल रियल टाइम अपडेट दिखेगा कि आपने कितने परसेंटेज ऑफ पेपर सॉल्व किए और कितने परसेंटेज सॉल्व करने बचे हैं, जो आपको रियलिटी चेक देगा और रिमाइंडर देगा कि एक्चुअली अभी तक बहुत एफर्ट्स मारने बचे हैं बॉस. और एक एडिशनल फीचर ऐसा लॉन्च किया है हमने कि हम आपके हर आंसर शीट को 3 क्राइटेरियाज में फ्लैग करने वाले हैं इस बार, दैट इज पुअर, एवरेज एंड गुड पेपर्स, सो दैट ये जो पुअर और एवरेज पेपर्स है ये आप एक्चुअली वो एग्जाम के पहले देख सको एंड अंडरस्टैंड कर सको कि कहाँ कहाँ गलतियां हुई थी, कौन से चैप्टर में अंडर परफॉर्म किया था, एक्चुअली वो एग्जाम के टाइम पे आपके 5-10 मार्क्स बढ़ा सकता है. आपके लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया है, आप ये शेड्यूल फॉलो कर सकते हो या यू कैन एक्चुअली ट्रीट इट एज अनशेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज एज वेल. 2-3 दिन में आपको पेपर चेक करके मिल जाएगा, एक्सट्रीमली अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज है गाइस. ऑल्सो यहाँ पे आपको एक असेसमेंट रिपोर्ट मिलेगा, जहाँ पे आपके सब स्ट्रेंथ सब वीकनेस आपको का चिट्ठा आपके सामने मिल जाएगा. लिटरली ICAI के लेवल के पेपर सेट किए गए हैं और चेक किए जाएंगे यहाँ पे, एक्सट्रीमली यूजफुल. अगर आप टाइम पास कर रहे हो ना तो ये जब लटकती तलवार रहेगी ना सर पे कि नहीं टेस्ट देना है, एक्चुअली मुझे टेस्ट देना है, काउंटडाउन बिगिन हो जाता है एंड आप एक्चुअली उस वजह से पढ़ाई करते हो. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, जाओ चेक इट आउट द टेस्ट सीरीज, एक्चुअली इट्स गोइंग टू हेल्प यू. दिस रेट्रोस्पेक्टिव मेथड इट्स सर्टेनली हेल्पफुल, दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड एक्चुअली. ओह माय गॉड, इतनी सारी बुक्स, उसमें इतना सारा सिलेबस, ऊपर से इतने सारे अमेंडमेंट्स, मुझे नहीं लगता मुझसे हो पाएगा यार. शिट, कैसे करूंगी मैं इतना सारा सिलेबस? दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, 100% नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा. यू नो हाफ ऑफ द पीपल जो CA के एग्जाम्स के लिए रजिस्टर करते हैं वो कभी एग्जाम्स ही नहीं दे पाते बिकॉज दे गिव अप बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द प्रोसेस. यू नो दूर से देखने को बहुत डिफिकल्ट लगता है सब कुछ, इतना बड़ा माउंटेन है, इतने सारे स्टेयर्स है, तो डर तो लगता ही है. बट वॉट इफ वी चेंज द अप्रोच कि मुझे इतने सारे स्टेयर नहीं देखना है, आई डोंट वॉन्ट टू लुक एट द एंटायर स्टेयर केस, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम, वन चैप्टर एट अ टाइम, वन कॉन्सेप्ट एट अ टाइम. लेट्स कीप इट सिंपल, जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतना कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, और जितना सिंपल वे में करोगे कि मुझे आज इतना इतना टारगेट करना है, ये चैप्टर करना है, इवेंचुअली सब कुछ पाइलअप होते 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 यू विल बी एग्जाम रेडी फाइनली. ट्रस्ट मी, 20 minutes ऑफ डूइंग समथिंग इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पेंडिंग 20 hours अबाउट थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग. तो कैसे लगा वीडियो? आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई होगी, खुद की गलतियां, खुद के मिस्टेक्स जो नहीं करने चाहिए वो आज पिन पॉइंट हो गए होंगे. तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपको कुछ भी कन्फेस करना है कि आज तक जो भी गलतियां की थी वो इसके आगे यू आर गोइंग टू स्टॉप डूइंग इट, और कौन सी ऐसी चीजें जो आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ. और ऐसी बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पे लाइंड अप है, सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल. ऑल्सो आई हैव गॉट वन सुपर डुपर बम्पर अनाउंसमेंट टू मेक फॉर ऑल यू गाइज. इफ यू आर लुकिंग टू बाय एनी बैचेस एट CA फाउंडेशन और CA इंटरमीडिएट लेवल, आई वुड रिकमेंड अनअकैडमी टू यू बिकॉज इट हैज अमेजिंग फीचर्स. एंड ऑल्सो टिल द 21st of February फ्लैट 20% डिस्काउंट इज अवेलेबल ऑन ऑल इट्स सब्सक्रिप्शंस. आफ्टर 21st of February प्राइसेस आर गोइंग टू हाइक बाय 10%. सो दिस इज द राइट टाइम गाइज. अनअकैडमी हैज अमेजिंग फीचर्स, इट हैज लाइव इंटरक्टिव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस. एक ही सब्सक्रिप्शन में यू गेट एक्सेस टू फास्ट ट्रैक्स ऑल्सो, मैराथन्स ऑल्सो, टेस्ट सीरीज ऑल्सो, विदाउट इवन हैविंग टू पे अ पेनी एक्स्ट्रा. टॉप एजुकेटर्स कंडक्ट दीज बैचेस.
and the subscription costs are already less. And top it all, till 21st of February, if you use this code RCH10, then you get 20% discount. Also, if you're buying a 12-month intermediate subscription, then you get an extension of 3 months. So what are you waiting for? This is the right time. In the description box, I'm giving you the links of all the batches. Go check it out. And yes, let's start preparing with full force. This is me signing out. Believe in yourself. Ta-da.